मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार हो रहा बदलाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। दो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के कारण अभी भी आसमान में बादलों का डेरा और गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। अब आगे का मौसम कैसा रहेगा, सुनिए मौसम वैज्ञानिक SN साहू से। मध्य प्रदेश का मौसम अभी भी बादलों और गरज चमक की स्थिति से बना हुआ है और अभी आप देखेंगे कि जो पश्चिमी विक्षोभ अभी उत्तर भारत में सक्रिय थे वो अभी भी बने हुए हैं और अभी पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति जो हरियाणा के ऊपर में और उसके आसपास के क्षेत्रों में, दूसरा पश्चिमी विक्षोभ साउथ पाकिस्तान और उसके आसपास दिखाई दे रहा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ वेस्ट MP के ऊपर में बना हुआ है और एक द्रोणिका लाइन विदर्भा से लेकर कर्नाटका तक गुजर रही है, तो अभी भी नमी की मात्रा प्रदेश में बनी हुई है और बारिश के बादल बन रहे हैं और दोपहर के उसके बाद जो है गरज चमक के साथ आंधी के साथ बारिश की स्थिति देखने को मिल रही है, तो ये स्थिति अभी आगामी 3 से 4 दिन बनी रहेगी। देखेंगे बारिश की स्थिति तो आने वाले 24 घंटे में जो ईस्ट MP है जिसमें कि जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल संभाग के जो जिले आते हैं और ग्वालियर चंबल का कुछ एक दो जिला है, तो वहां पर बारिश की एक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में थोड़ी सी बारिश की एक्टिविटी कम रहेगी, लेकिन चूंकि हीटिंग होने के बाद नमी के कारण बादलों की स्थिति निर्मित हो रही है तो दोपहर के बाद पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ, आंधी के साथ में, तेज हवाओं के साथ में बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी। भोपाल में भी दोपहर के बाद बादल थोड़े से आएंगे और गरज चमक की स्थिति बन सकती है। चूंकि गरज चमक की स्थिति है तो तापमानों में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को नहीं है और ये स्थिति आगामी अभी 3 से 4 दिन तक जारी रहेगी। पश्चिमी पाकिस्तान ने एक विक्षोभ के एक्टिव होने से मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों का मौसम बदल रहा है। 4 मई से एक और स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो जाएगा जिससे प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश तो कुछ जिलों में हल्की बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। भोपाल से मृदुभाषी प्रदेश के लिए प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।